मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोले जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब बताया पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ ममता नाम की चीज नहीं है, आप जितना छुपाना चाहती थी आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि आप FIR दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टॉर्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टॉर्चर करते हैं। आपके नेता आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं, तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा। क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप भी थी आपके सामने भी रखेगी, और मैं हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए, और मैं, हम लोग सारी टीम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।